बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुड्डू, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डू की दुनिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज मैं शाम के खाने में बना रही हूं बीफ जगरी पुलाव। तो करते हैं शुरू। पहले मैं ये डालती, ये मैंने दो प्याज ली है, ये अदरक और ये लहसुन। ये है सब्ज धनिया, जीरा, नमक और ये दो दालचीनी के पीस और ये तीन मोटी इलायची। ये आपने अपने हिसाब से ले लिया गोश्त के मुताबिक, जितना गोश्त है उसी मतलब से आपने चीजें लेनी है। अब मैं डालती हूँ पानी। पानी इसमें ज्यादा जाएगा क्योंकि गोश्त भी करना है और फिर चावल भी इसी में बनने हैं। अब चूल्हा करते हैं ऑन। अब मैं दे देती हूँ ऊपर ढक्कन ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और यखनी बन जाए अच्छी तरह से। अब कर लेते हैं यखनी चेक। गोश्त करते हैं चेक। क्योंकि इसमें पुलाव में गोश्त सही तरह से गला हो ना तो फिर ही मजे का लगता है। ये देखे बिल्कुल सही गोश्त गल गया। अब इसको वापस इसमें डालते हैं। अब मैं इसको गोश्त को निकाल लेती हूँ, चूल्हा पहले कम कर लूँ। गोश्त को मैं यखनी से लादा करती हूँ। ये देखिए ये गोश्त मैंने लैला कर लिया। अब इसको मैं बाद में बताती हूँ। ये सारा ना ये प्याज वगैरह इसका लैला कर देंगे। अब जखनी को भी उतारते हैं नीचे। जखनी को फिर मैं ना यानी के छान लूँगी छलनी के साथ। अब मैं ये जखनी छान देती हूँ। इसको अच्छी तरह से ऐसे दबा देती हूँ ताकि इसका जो असर है ना वो निकल जाए। मुझे डालती ऑयल। ऑयल गर्म होगा फिर डालूंगी प्याज। ऑयल गर्म हो गया मैं डालूंगी प्याज। प्याज को अब करते हैं ब्राउन।
ख्याल बनाना हो गया। अब मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट भी देखो फ्राई हो गया। अब मैं ये डालती हूँ टमाटर और हरी मिर्चें। बिल्कुल अगर आपने सादे तरीके से बनाना है तो ये टमाटर हरी मिर्चें ये नहीं डालते, इस तरह भी बन जाता है। प्याज ब्राउन करके और वो अदरक वगैरह डाल के जीरा वगैरह, अगर स्पाइसी बनाना है तो फिर ये आप डालें टमाटर हरी मिर्चें। हर दिन मटर नरम हो गया ना तो फिर मैं डालूंगी गोश्त। प्याज देखे नरम हो गया, अब जो मैं डाल रही हूँ दालचीनी है, मोटी इलायची है, लौंग है और ये जीरा, ताकि ये भी साथ ही इनकी भी बनाई हो जाए। थोड़ा सा मैं पानी का जी छींटा लगाती ताकि ये प्याज और ये टमाटर अच्छी तरह से ये देखें मेल्ट हो गया, यानी कि गर्म हो गया। पानी खुशक हो गया, अब ये डाल दें गोश्त। अब इसकी भी बनाई कर लेते हैं। इसकी बनाई करके इसमें डालते हैं जखनी। अब ये कुटी हुई लाल मिर्च, इससे स्पाइसी बन जाएंगे मज़े के। नमक मैंने पहले भी डाला था, अब ये 2 चम्मच और डाल दी। अच्छी तरह बनाई होगी हो ना तो फिर ये गोश्त की यानी कि स्मेल नहीं आती। अब ये 1 चम्मच जिसे सालन डालते हैं वो मैं भर के डाल रही दही का, थोड़ी सी और डाल देते यानी कि 1.5 चम्मच, एक भर के और एक आधा। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, तो जितनी चीज़ें डालो मसाले वगैरह उतने ही चीज़ टेस्टी बनती है मज़ेदार। गोश्त की बनाई अच्छी तरह से ये देखी हो गई है। अब मैं डालती हूँ यखनी, ये वाले 4 गिलास चावल के
तो इससे यानी के नाप के डालूंगी यखनी। बिस्मिल्लाह। एक दो तीन चार पाँच, ये छह गिलास मैंने डाल दिए यखनी के, पूरी पूरी जानी के यखनी का पानी पूरा पूरा। अब ये बॉयल आएगा तो फिर मैं डालूंगी चावल। अब इसको ढक देती हूँ। पकना शुरू हो गया, डालते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुशक हो रहता तो मैं दाब देती, पानी खुशक होगा तो फिर लगाएंगे दाम। पानी देखे खुशक हो गया, बिल्कुल खुशक हो गया। अब इनको लगाते हैं दाम। पकना शुरू हो गया, अब डालते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी चेक कर लेते हैं। चलो सही बात। पानी खुशक हो रहता तो मैं दाब देती, पानी खुशक होगा तो फिर लगाएंगे दाम। पानी देखे खुशक हो गया, बिल्कुल खुशक हो गया। अब इनको लगाते हैं दाम। दाम मैं तवे पे रख के लगाऊंगी, क्योंकि तवे पे दाम जो होता है ना वो सही आता है बिल्कुल। एक दफा आग तेज कर दे ताकि गर्म हो जाए, तवा गर्म हो जाए। अब मैं इसके ऊपर रखती हूँ, अब दे देते हैं ऊपर ढक्कन। 15 मिनट के लिए लगाऊंगी दम। अब करते हैं चेक, दम आया। ये देखे माशाल्लाह से दम आई है। अब इनको फिक्स कर लेते हैं ऊपर नीचे। ये देखे लहदा लहदा चावल है। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तब आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। करते हैं
मैं डाली प्लेट में, सबको भूख लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे माशाल्लाह से कैसे बाप निकल रही है, गर्मा गर्म पुलाओ। ये जखनी वाला बनाया, थोड़ा स्पाइसी बनाया हमने, एक सादे तरीके से भी बनता है, हमने स्पाइसी बनाया और बहुत मज़ेदार। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, मुझे दुआ में याद रखे। इसी के साथ दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।